तो प्रॉब्लम में बोल रखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, और बोल रखा है दे इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी इज पी देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये प्रॉब्लम है अपने पास, तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ट्राई करो इसको। या इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। सो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं ए बी सी, तो ये मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूँ ए बी एंड सी, थोड़ा सही से बनाता हूँ। तो ये अपना ट्राइंगल है ए बी सी, और ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंड ये ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसकी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और इसकी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट डी है माइनस वन कोमा माइनस वन, और ये पॉइंट ई है ये टू कोमा वन। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। अब तुम देखोगे इसकी स्लोप है माइनस वन, तो ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, वन। इसकी स्लोप है यहाँ पर वन, सो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, माइनस वन। और इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट देखोगे सो माइनस वन आ रहा है, मीन्स ये दोनों भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अब अपन इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखे हैं, सो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो का, तो 2x इज इक्वल टू माइनस वन, सो x इज इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है एंड y इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 3/2 आएगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास ये आ रहा है। और यहाँ पर ये जो b एंड c है वो अगर तुम सर्कम सर्कल बनाओगे उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यहाँ पर ये अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, और ये यहाँ पर ए पर 90 डिग्री बन रहा है, तो बी एंड सी यहाँ पर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। और प्रॉब्लम में बोल रखा है मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी को पी बता रखा है इन्होंने, मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी को यहाँ पर ये पी बता रखा है जो कि सर्कल का सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। और तुम्हें ये भी पता है कि ट्राइंगल में जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो अपना ऑर्थो सेंटर होता है, ये चीज तुम्हें पता है। तो सिर्फ अपन को पी के कोऑर्डिनेट पता करना है ताकि अपन पी ए जो डिस्टेंस है वो निकाल पाए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम में पूछा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी ऑर्थो सेंटर ऑफ दी ट्राइंगल। सो बेसिकली अपन को पता है कि यहाँ पर ये माइनस वन कोमा माइनस वन है और इसकी स्लोप अपन को पता है माइनस वन, तो इस लाइन की स्लोप वन हो जाएगी। सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन टाइम्स यहाँ पर एक्स प्लस वन, तो ये वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। और यहाँ पर ये अपन को पॉइंट पता है और ये भी अपन को पता है। सो बेसिकली इसकी अगर अपन इक्वेशन चेक करें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन टाइम्स एक्स माइनस टू, सो ये वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा एंड ये एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर ये एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई को मैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ। अब दोनों को ऐड कर दे तो 2x इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू भी 3/2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपना यहाँ पर 3/2, 3/2 आ रहा है। सो अब बेसिकली ये मिड पॉइंट है, सो अपन ये वाला पॉइंट बता सकते हैं यानी माइनस वन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एक्स वन को मैं वाई वन बोलूँ तो एक्स वन प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पर एक्स वन मैं निकालूँ सो यहाँ पर मेरे पास माइनस का 7/2 आ जाएगा एंड वैसे ही मैं वाई वन निकालू सो वो भी माइनस का 7/2 आ जाएगा। तो ये माइनस का 7/2, माइनस का 7/2 आ रहा है एंड वैसे ही अगर मैं इसको चेक करूँ तो 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ, तो x2 इज इक्वल टू यहाँ पर हाफ आ जाएगा, सो हाफ। एंड यहाँ पर उसके लिए चेक करूँ सो यहाँ पर y2 इज इक्वल टू 3/2, सॉरी ये y2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ सो y2 इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर हाफ आ जाएगा। सो ये तुम्हारा इधर चेक करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पर एक बार चेक कर, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 4 माइनस 3/2 होगा जो कि यहाँ पर चेक करोगे तो 5/2 आएगा। सो ये 5/2 है और ये यहाँ पर 1/2, और बेसिकली ये मिड पॉइंट है तो अपन तो अब बता ही सकते हैं। सो
ये मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेसिकली 5/2 -7/2 एंड डिवाइड बाय 2, सो ये बेसिकली माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस का हाफ एंड ये बेसिकली माइनस का 3/2, सो ये पॉइंट भी आ गया अपने पास। और अगर तुम चेक करोगे तो ये अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस तरीके से अपन ये पॉइंट भी यहाँ पे निकाल लिया। सो अब अपन ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, ये अपना 3/2, 3/2 है। सो बेसिकली ये 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर यानी √13 अपना आंसर आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।